स्वेलोस के हिसाब से उतने अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में वीवो वाई ऑन में आपको कैमरा टेस्ट करके दिखेंगे, देखेंगे दोस्तों इस फोन का कैमरा क्वालिटी कैसा है, और आपको दिखाऊंगा इस फोन का जूम टेस्ट करके। यहाँ पर दोस्तों वीडियो और फोटो आपको जूम टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं इस फोन का कैमरा क्वालिटी कैसा है। और दोस्तों एक बार मैं जहाँ पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, चाहिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो यदि दोस्तों मेरे हाथ में वीवो वाई वन एस, ये दोस्तों एरोरा ब्लू कलर में मेरे पास अवेलेबल है, और 2GB 32GB वाला वेरिएंट है। तो दोस्तों पहले जाएंगे इस फोन का कैमरा पर, तो चलिए कैमरा पर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ब्यूटी, उसके बाद आपको मिल जाएगा फोटो, यहाँ पे क्लिक करते हो फोटो पर, उसके बाद यहाँ पे मिलेगा वीडियो, और उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको टाइम स्लैप। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे आपको फीचर्स देखने को मिला है। ऊपर का बात करो तो ऊपर आपको मिल जाएगा, देखिए ऊपर यहाँ पर आपको मिलेगा फ्लैश, चलिए यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों फ्लैश को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, ऑटो ऑन फील्ड लाइट और यहाँ पर ऑफ कर सकते हो। उसके बाद मिल जाएगा कैमरा साइज, यहाँ से दोस्तों कैमरा साइज फुल छोटा बड़ा कर सकते हो, यहाँ पर 6:9, 1:1 इस तरह से यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा सेटिंग, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों कैमरा रिलेटेड बहुत सारे आपको फीचर्स देखने को मिल जाएगा। ऊपर साउंड, यहाँ से दोस्तों कैमरा साउंड ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद लोकेशन, मिरर सेल्फी, उसके बाद मेरा काउंट डाउन, यहाँ पे दोस्तों आप क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ऐसे देखिए 3 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड है, यहाँ पे ऐसे टाइमर लगा सकते हो। उसके बाद मिल जाएगा फ्रेमिंग लाइंस, यहाँ पे क्लिक कर लाइन लगा सकते हो कैमरा पर। उसके बाद मिल जाएगा शटर, टच, वॉइस, प्लम मिल जाएगा यहाँ पे। तो चलिए बैक करते हैं ऐसे। उसके बाद मिल जाएगा वाटरमार्क, यहाँ पे दोस्तों मॉडल वाटरमार्क और टाइम वाटरमार्क यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे दोस्तों ऑप्टिमाइज का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे खुद का नाम नहीं देख सकते हो ऑप्टिमाइज करके। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। यहाँ पे ऐसे नीचे देखिए वीडियो रेजोल्यूशन, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इस फोन में दोस्तों 1080 पिक्सल, 720 पिक्सल और यहाँ पे 480 पिक्सल से 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। अब दोस्तों इस फोन का कैमरा के बारे में बात करता हूँ। दोस्तों इस फोन का कैमरा का बात करते हुए आपको सिंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा। एक कैमरा है दोस्तों 13 MP, जिसके अपर्चर f/2.2, और इस फोन का फ्रंट कैमरा का बात करो तो फ्रंट कैमरा आपको 5 MP देखने को मिल जाएगा, जिसके अपर्चर f/1.8। अब दोस्तों आपको इस फोन से पिक्चर कैप्चर करके दिखाएंगे, देखते हैं इस फोन का पिक्चर क्वालिटी कैसा है, चलिए आपको दिखाते हैं। चलिए कैमरा को ओपन करता हूँ। यहाँ पर कैमरा ओपन हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों नॉर्मल मोड भी एक पिक्चर कैप्चर करेंगे, तो चलिए पहले एक पिक्चर कैप्चर करता हूँ, यहाँ फोकस करके एक पिक्चर कैप्चर करता हूँ। यहाँ पे देखिए कैप्चर हो चुका है। अब दोस्तों इस पिक्चर को ओपन करता हूँ, देखता हूँ इसका क्वालिटी कैसा है। तो देखिए इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, 13 MP से पिक्चर काफ़ी अच्छा आया है। यहाँ पे देखिए इसका क्वालिटी, यहाँ पे जूम करके आपको दिखाता हूँ इसका क्वालिटी कैसा है। तो चलिए जूम करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ पर दोस्तों जूम करने से काफ़ी अच्छा टाइप डिटेलिंग आपको देखने को मिल जाएगा, क्लैरिटी और डिटेलिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जूम करने से। यहाँ पर जूम आउट करता हूँ। अब दोस्तों जाएंगे इस पिक्चर का डिटेल्स में, तो चलिए यहाँ पर डिटेल्स में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे साइज का बात करो तो इस पिक्चर का यहाँ पे साइज ले रहा है 1.94 MB, बहुत ही कम है यहाँ पे साइज ले रहा है दोस्तों, ठीक ठाक है यहाँ पे साइज ले रहा है। तो चलिए बैक करता हूँ यहाँ से। अब दोस्तों यहाँ से बैक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ से बोके मोड से आपको पिक्चर कैप्चर दिखाऊंगा। यहाँ पे से बोके कैमरा अलग से नहीं है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर की मदद से आप एक कैमरा से ही बोके इफेक्ट यहाँ पे ले सकते हो। तो चलिए यहाँ से बोके में क्लिक करता हूँ, लेंस पर यहाँ पे बोके में क्लिक करता हूँ। चलिए यहाँ पे बोके मोड सेलेक्ट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे फोकस कर करता हूँ, फोकस करके पिक्चर कैप्चर करता हूँ। तो यहाँ पर फोकस किया, अब दोस्तों पिक्चर कैप्चर करता हूँ। तो यहाँ पिक्चर कैप्चर हो चुका है। अब दोस्तों पिक्चर को ओपन करता हूँ, तो देखिए इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, क्लैरिटी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, जो ब्लर है ठीक ठाक यहाँ पे लग रहा है ब्लर। अब दोस्तों यहाँ पर जूम करके आपको दिखाता हूँ इसका क्वालिटी कैसा है। तो देखिए जूम करने से दोस्तों काफ़ी अप्रॉक्स क्लैरिटी देखने को मिल जाएगा, डिटेलिंग भी देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा डिटेलिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। अब दोस्तों इस फोन का फ्रंट कैमरा से पिक्चर कैप्चर करके दिखाएंगे, देखेंगे इस फोन का फ्रंट कैमरा पिक्चर क्वालिटी कैसा है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो चलिए कैमरा ओपन करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कैमरा ओपन हो चुका है। अब दोस्तों फोन कैमरा ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे ओपन हो चुका है फोन कैमरा। अब दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल मोड में एक पिक्चर कैप्चर करता हूँ, तो चलिए यहाँ पे फोकस करता हूँ, एक पिक्चर कैप्चर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर कैप्चर हो चुका है। अब दोस्तों इस पिक्चर को ओपन करता हूँ, तो देखिए इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी अच्छा डिटेलिंग यहाँ पे क्लैरिटी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ऐसा आप जूम करके आपको दिखाते हो इसका क्वालिटी कैसा है। तो चलो यहाँ पे जूम करता हूँ, तो देखिए इसका क्वालिटी यहाँ पे जूम करने से काफ़ी अच्छा डिटेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों जाएंगे इस फोटो का डिटेल्स में, तो चलो यहाँ से डिटेल्स में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए साइज का बात को तो इस फोटो का साइज है लगभग 800 KB के आसपास ले रहे हैं, बहुत ही कम यहाँ पे साइज ले रहे हैं। तो चलो यहाँ से बैक करता हूँ। अब दोस्तों ब्यूटी में पिक्चर कैप्चर करके दिखाएंगे, तो चलो यहाँ पे ब्यूटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ ब्यूटी पर, यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। आप दोस्तों यहाँ से आप ब्यूटी लेवल को एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो चलिए यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। आप दोस्तों यहाँ पे क्लिक करता हूँ पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पिक्चर कैप्चर हो चुका है। आप दोस्तों पिक्चर को ओपन करता हूँ,
देखिए इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा पे ब्यूटी हो रहा है। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है पिक्चर, आपको कैसे लग रहा है आप नीचे कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताना। अब जूम करो तो देखिए यहाँ पे डिटेलिंग ठीक ठाक यहाँ पे आ रहा है। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। अब दोस्तों बोके मोड से फोन कैमरा से आपको पिक्चर कैप्चर कर दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पे बोके मोड सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे लेंस पर क्लिक करता हूँ। चलिए यहाँ पे बोके मोड सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे बोके मोड सेलेक्ट हो चुका है। आप दोस्तों फोकस करके पिक्चर कैप्चर करता हूँ। चलिए यहाँ फोकस किया, आप दोस्तों पिक्चर कैप्चर करता हूँ। पिक्चर कैप्चर हो चुका है, आप दूसरे पिक्चर को ओपन करता हूँ। तो देखिए इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, ब्लर काम कर रहा है। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है ब्लर, कैमरा को देखिए काफ़ी अच्छा ब्लर यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे जूम करता हूँ, देखिए इस फोटो को देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे डिटेलिंग देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इस फोन से आउटडोर में और भी पिक्चर कैप्चर करिए और देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा इस फोन का कैमरा क्वालिटी कैसा है। चलिए आपको दिखाता हूँ। आप दोस्तों इस फोन से आपको जूम टेस्ट कर दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे कैमरा को ओपन करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ कैमरा पर, यहाँ पे कैमरा ओपन हो चुका है। पहले दोस्तों फोटो और वीडियो जूम टेस्ट कर दिखाऊंगा आपको। तो चलिए यहाँ पे जूम करता हूँ, तो यहाँ पे 2x जूम हो चुका है। देखिए अब यहाँ पे पिक्चर कैप्चर करता हूँ एक, तो यहाँ पे पिक्चर कैप्चर हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे 3x जूम करता हूँ, यहाँ पे 3x जूम हो चुका है। यहाँ पर भी एक पिक्चर कैप्चर कर लेता हूँ, कैप्चर हो चुका है। आप दोस्तों 4x करता हूँ यहाँ पे जूम, तो यहाँ पे देखिए 4x जूम हो चुका है। यहाँ पे 4x से ज़्यादा जूम यहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे पिक्चर कैप्चर कर लिया हूँ, तो चलिए यहाँ से जूम आउट करता हूँ। आप दोस्तों को वीडियो में जूम टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो में क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो वीडियो में आ गया हूँ। तो चलिए यहाँ पे जूम करता हूँ, तो यहाँ पे 2x जूम हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे 3x जूम करता हूँ, तो 3x जूम हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे 4x जूम करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 4x जूम हो चुका है। यहाँ पर भी दोस्तों 4x से ज़्यादा जूम नहीं कर पाओगे वीडियो पर। तो चलिए यहाँ से जूम आउट करता हूँ। अब दोस्तों आपको दिखाऊंगा इस फोन का वीडियो क्वालिटी कैसा है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो जो शूट हो रहा है 480 पिक्सल से, देखिए इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर दोस्तों कोई भी माइक नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो देखिए साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा यहाँ पे आ रहा है। और ये वीडियो दोस्तों 720 पिक्सल से शूट हो रहा है, देखिए इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी दोस्तों कोई माइक नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो देखिए इसका क्वालिटी आपको कैसे लग रहा है आप नीचे कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताना। तो देखिए इसका क्वालिटी, और ये वीडियो 1080 पिक्सल से शूट हुआ है। देखिए इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, आपको कैसे लग रहा है आप नीचे कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताना। तो देखिए इसका क्वालिटी, यहाँ पर भी दोस्तों कोई माइक नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो देखिए इसका क्वालिटी यहाँ पर भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा आ रहा है। ये वीडियो दोस्तों फोन कैमरा से 480 पिक्सल से शूट हो रहा है, देखिए इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, फोन कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छा आ रहा है यहाँ पे 480 पिक्सल से। तो देखिए इसका क्वालिटी, यहाँ पर भी दोस्तों कोई माइक नहीं यूज़ कर रहा हूँ। और ये वीडियो दोस्तों 720 पिक्सल से शूट हो रहा है, देखिए इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। यहाँ पर भी दोस्तों कोई माइक नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो देखिए इसका क्वालिटी जो कलर है काफ़ी अच्छा यहाँ पर आ रहा है फोन कैमरा से। और ये वीडियो दोस्तों 1080 पिक्सल से शूट हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों कोई माइक नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो देखिए इसका क्वालिटी में दोस्तों कलर जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। देखिए मुझे जो कलर है काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है, आपको कैसे लग रहा है आप नीचे कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताना।
तो यहाँ पर दोस्तों वीवो Y1X का कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इस प्राइस में काफ़ी अच्छा कैमरा क्वालिटी यहाँ पे दिया गया। आप सबको इस फोन का कैमरा क्वालिटी कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और दोस्तों वीवो Y1X रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तब तक ले जाए वंदे मातरम।